कुछ लोगों की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब वो जिंदगी से हार कर अपने आप को ही बुरा समझने लगते हैं और खुद पर से उनका एतमाद नहीं रहता। लेकिन उन कुछ लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ऐसा शख्स मिलता है जो उनकी जिंदगी की रेत को मायूसियों के समंदर में बहने से रोक दे, जो इनका एतमाद और उनका भरोसा दोबारा जगा सके। और मैं इन्हीं लोगों में से एक हूँ, और मेरे अंदर वो एतमाद जगाने वाला मेरा कोई शनासा नहीं बल्कि एक अजनबी था, एक छोटी सी बच्ची जिसने मुझे उस वक्त रोशनी दिखाई जब मैं बुराइयों के अंधेरों में भटक रहा था। वो एक गर्म रात थी जब 2 दिन का भूखा रहने के बाद मैं चोरी करने के लिए निकला था। ये हाथ को भी अभी कटना था। एक तो भूख के मारे वैसी हालत बुरी हो रही है और ये बच्ची है कि सो के नहीं देती। उठे अंकल, उठे। मुझे पता है आप जाग रहे हैं। पता है मेरी गुड़िया को भी जब स्कूल नहीं जाना होता था वो भी ऐसे ही करती है। देखिए मैंने आपके जख्म पर अपना फ्रॉक भी बांध दिया है और मैं आपके लिए पानी भी लाई हूँ। मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छे अंकल हैं। 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 तुम बहुत बुरे इंसान। You can't do anything right. You can't
can't do anything right. She can't do anything right. बेटा बहुत रात हो चुकी है, अब आपको सो जाना चाहिए और मैं चलता हूँ। اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اور اسی دن سے मेरी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ, मेहनत का, जद्दोजहद का और अपनी मंजिल को पाने का। जिस जगह जो काम भी मिला मैंने किया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे हालात सुधरने लगे और मेहनत करने में एक मज़ा आने लगा। मैंने ज़िंदगी की दौड़ में और तेज़ भागना शुरू कर दिया। और आज मैं एक कंपनी में सेल्समैन की हैसियत से काम करता हूँ और ये सब हुआ है तो उस छोटी सी बच्ची की वजह से, जिसका मैं नाम जानता नहीं पर आज भी मैं उसे नन्ही परी के नाम से याद करता हूँ। अपनी हालत बदलनी है तो अपना नज़रिया बदलो, हालात खुद बदल जाएंगे।